वेलकम वंस अगेन फ्रेंड। और आज मैं आपकी दोस्त पूनम एक और नए सब्जेक्ट के ऊपर, एक और नए टॉपिक के ऊपर आपके सामने लेके आई हूँ डेमो वीडियो, डेमो क्लास। तो आप सब लोग उम्मीद करती हूँ पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जो हिंदी के लिए डेमो या इंटरव्यू देने वाले हैं। तो बाकी की जो इंटरव्यू टिप्स हैं वो अपने चैनल पे जाके देख ली होंगी कि इंटरव्यू देते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप स्पेशली टीचर का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। प्लस अब आपको बोल दिया कि भाई चलो खड़े होकर किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको पढ़ाना है, तो आप एक कंडीशन ये होती है कि एक टॉपिक आप खुद तैयार करके गए हो, माइट बी पॉसिबल कि टॉपिक उन्होंने दे दिया, तब आप क्या करेंगे। तो दोनों सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो वीडियो भी मैंने चैनल पे डाली हुई है, आप ज़रूर ना उसे ध्यान से देख लें। अब बात करते हैं अगर टॉपिक आप अपनी पसंद का चुन रहे हैं तो आपको क्या करना है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ाने जाए ध्यान रखें इस बात का कि सबसे पहले आपको बतानी है सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट आपने बच्चों को बता दी, उसके बाद आपको करनी है बोर्ड एंट्रीज। बोर्ड एंट्रीज की भी वीडियो आप देख लें कि किस तरीके से आपको करना है। सारी बोर्ड एंट्रीज आपको कर दी, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप टॉपिक नहीं लिखना, टॉपिक डिस्क्लोज नहीं करना, टॉपिक जो है वो आप बच्चों से निकलवाएंगे किसी भी कंडीशन में। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं इंटरव्यूअर से या क्लास से कि टॉपिक वो बताएं। तो जैसे मैं आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ, मैं टॉपिक नहीं बताऊंगी, टॉपिक आप लोग जज करेंगे कि आखिर मैडम पढ़ा क्या रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डेमो क्लास कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटरव्यू से या क्लास में, लाइव क्लास में हो रहा है डेमो तो भी आपको बच्चों से पूछने हैं उनके नाम कि ज़रा अपना नाम बताओ, सब 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 तुम बताओ बेटा, तुम बताओ बेटा, तुम बताओ। जब आपने 10-12 बच्चों से नाम पूछ लिए तो बच्चों से बोलना है अच्छा ज़रा मुझे ये बताओ क्या कोई ऐसा नाम है जो तुम सबके नाम पर फिट हो जाए। बच्चे परेशान कि मतलब ऐसा नाम जिस पे सबके नाम पे फिट हो जाए, मैडम ऐसा कौन सा नाम है, ऐसा तो कोई नाम नहीं है। हाँ ध्यान रखना लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी वही नाम होना चाहिए, ऐसा कोई नाम है। बच्चे परेशान के लड़की का भी वही नाम, मतलब ही और शी होते, मैडम लड़की और लड़के का एक ही नाम कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता। अच्छा बच्चों मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ, अब शायद तुम बता पाओ, ठीक है। तो आप एक और मौका दे रहे हो उन लोगों को, कहीं ना कहीं सोता हुआ बच्चा भी जो आपकी क्लास का है वो जग जाएगा कि यार ऐसा कौन सा नाम है जो सबके नाम पे फिट हो जाएगा। कितना सिंपल, आपने स्टार्टिंग जो करनी है वो हमेशा सिंपल क्वेश्चन से करनी है कि भाई आपने सबसे पहले क्लास में बच्चों के नाम पूछे। अब नाम तो हर बच्चा बता सकता है ना, ये हो गई आपकी स्टार्टिंग। अब आपने बोला ऐसे नाम जो सबके नाम पे फिट हो जाए, नहीं पता क्लास में, शायद बच्चा ना बता पाए क्लास में इसका आंसर। तो अगर बता दें बहुत अच्छी बात है, वहीं पर आपका काम खत्म हो जाता है। अगर नहीं बताए तब भी आप ये स्टोरी सुनाएं, अगर बता दें तब भी आप ये स्टोरी सुनाएं, क्योंकि ये स्टोरी उनकी नॉलेज को, क्योंकि सबको तो पता ही नहीं होगा ना, जिन्हें नहीं पता उनकी नॉलेज को स्टेबल करेगी और आपके सिलेक्शन को स्टेबल करेगी। तो आप जो एक स्टोरी है वो स्टार्ट करते हैं कि ना एक गाँव में एक लड़का रहता था आकाश। तो जो आकाश था, एक दिन आकाश जंगल गया। आकाश आम तोड़ने के लिए जंगल गया। आकाश को जंगल में बहुत प्यास लगी। आकाश जोर जोर से रोने लगा। आकाश को वहां पर अजीब अजीब आवाजें आने लगी। तभी वहां पर उसका दोस्त श्याम आ जाता है। श्याम उसे एक ग्लास पानी देता है। श्याम उसे फल तोड़ के देता है। श्याम उसकी पेड़ पे चढ़ने में मदद करता है। श्याम उसे खाना खिलाता है। दोनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और फिर श्याम और आकाश दोनों वापस घर आ जाते हैं। कैसी लगी बच्चों कहानी, पसंद नहीं आएगी, बोरिंग सी, मतलब क्या बोलेंगे बच्चे, कहानी तो बच्चों को पसंद आएगी ना, बिल्कुल। अच्छा बच्चों अब जरा मुझे ये बताओ तुम लोग कि इस कहानी में ऐसा कोई नाम जो श्याम और आकाश दोनों के नाम पर फिट हो जाए। फिर बच्चे वहीं के वहीं आगे कि मैम ऐसा कौन सा नाम है जो दोनों के नाम पे फिट हो जाएगा। तो अब आप बताएंगे बच्चों को कि देखो बच्चों ऐसा नाम जो सबके नाम पे आ जाए उसे बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जो सबके नाम पे आ जाए वो सर्वनाम। पर बच्चों को अब भी समझ में नहीं आया कि कैसे आ जाएगा सबके नाम पर। अब आप उन्हें प्रूफ करके दिखाए, जो स्टोरी आपने लिखी थी वो आप बोर्ड पर लिख दें। बोर्ड पे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब इंटरव्यूअर ये भी देखना चाहते हैं ना कि आप बोर्ड पर कैसे लिखते हैं।
तो आपने स्टोरी सुनाई थी बच्चों को, उस स्टोरी से ध्यान रहे कि जब आप बोर्ड पे लिख रहे हैं तो आपका ध्यान ये होना चाहिए कि क्लास आपके साथ तब भी कनेक्ट हो। तो उस एंट्रीज को बोर्ड पर करते 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 आपको क्या ध्यान रखना है, स्टोरी आप बोलते जाना और बच्चों से बुलवाते जाना, एक दो वर्ड बीच में रुक जाना और बच्चे बताएंगे स्टोरी में आपने क्या बोला था। तो उनकी नॉलेज को आप क्या कर रहे हैं, अपने से रिकॉल करा के कनेक्ट करा रहे हैं। अब आपने बता दिया कि भाई आकाश एक गांव में रहता था, एक दिन आकाश जंगल में गया, जंगल में आम तोड़ने आकाश गया, तो वहां पर आप क्या फिट कर देंगे उस सबकी जगह, वह है ना। तो आपने सर्वनाम बताया, आकाश गांव में रहता था, आकाश एक दिन जंगल में गया, एक दिन वह जंगल में गया, वह वहां पर आम लेने गया, उसे वहां पर प्यास लगी, मतलब कुल मिला के आपको उस स्टोरी में वह 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 फिट कर देना इंस्टेड ऑफ जहां पर आप आकाश बोल रहे थे, ठीक है। अब उसका दोस्त उसे शाम मिल गया, शाम उसे देखता है, शाम उसे पानी देता है, शाम उसे आम देता है, शाम उसे पेड़ पे चढ़वाता है, क्या इसकी जगह मैं वह लगा दूँ, वह उसे पानी देता है, वह उसे आम देता है, वह उसे खाना देता है, वह उसे पेड़ पे चढ़ने में मदद करता है। तो देखो बच्चों, मैंने शाम के साथ भी वह लगा दिया और जो आकाश था उसके साथ भी वह लगा दिया, यानी दोनों के नाम के साथ मैंने वह लगा दिया। अब जरा ये बताओ कि शाम की जगह अगर यहां पर शोभा होती तो भी मैं वह लगा सकती थी, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो शोभा उसे पानी देती है, शोभा उसे आम देती है, शोभा उसे खाना देती है, अब इसकी जगह वह लगा दूं, वह उसे पानी देती है, वह उसे खाना देती है, वह उसे आम देती है, वह उसकी पेड़ पे चढ़ने पे मदद करती है। तो बच्चों बताओ, यहाँ पर शोभा की जगह भी वह लग गया, यानी वह तो भैया ऐसा नाम हो गया जो ना स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग देख रहा है, ना लड़की देख रहा है, ना लड़का देख रहा है, सबके नाम के साथ फिट हो गया, यानी हो गया सर्वनाम। तो बच्चों यही होता है सर्वनाम जो किसी के नाम के साथ भी फिट हो जाए। इसे प्रीवियस क्लास में तुम लोगों ने देखा था या पढ़ा होगा कि भाई संज्ञा, संज्ञा क्या होता है, किसी का भी नाम, दुनिया किसी का भी नाम, धरती का नाम, आकाश का नाम, तुम्हारा नाम, मेरा नाम, स्कूल का नाम, चेयर, ब्लैक बोर्ड, अर्थ, जुपिटर, यूनिवर्स, सब चीज जिसका नाम होता है, टीचर, स्टूडेंट, सब क्या है, संज्ञा है। और उनकी जगह पे जो नाम यूज हो वो है सर्वनाम। तो अगर आप इस तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उनकी नॉलेज जो होती है ना वो सिक्योर और लॉक हो जाती है हमेशा के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ज़रूर रही होगी, काम की है वीडियो, तो लाइक कर दो, जिसे इसकी ज़रूरत हो उसके साथ शेयर कर दो।